नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक वायरल नोटिस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और साथ में इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली किस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है। और देखिए, भीषण ठंड के अंदर आपका जो है वो फिजिकल स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। सो अभी से आपको यहाँ पर प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर एक नोटिस काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, नोटिस के अंदर आपको बताया जा रहा है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, पूरा का पूरा एग्जैक्ट नोटिस के जैसा ही लग रहा है। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नंबर 1/2019 लेवल 1 पोस्ट एज पर 7 CPC, ऑब्जेक्शन ऑफ रिजल्ट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का ऑब्जेक्शन की रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जो है वो दिया जा रहा है। देखिए, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द 17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर, ठीक है, 11 अक्टूबर शेड्यूल टू बी डिक्लेयर आफ्टर 15 आवर्स ऑन 22/10/2022। देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि 17 अगस्त से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में आपका CBT परीक्षा होता है। बिल्कुल सही है, इतना तारीख के बीच में आपका जो CBT एग्जाम है वो हुआ था। अब जो है ये बता रहा है कि 22 अक्टूबर के बाद इसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो भाई, 22 अक्टूबर तो बीत गया है और आज 4 नवंबर का डेट है। देखिए आगे दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शन टू देयर गिवन एग्जाम। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो कैंडिडेट के द्वारा जो भी ऑब्जेक्शन था, जैसे कि RRB के द्वारा कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया गया था जबकि कैंडिडेट का आंसर जो है वो सही था, तो वो सारे ऑब्जेक्शन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। आगे देखिए, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी गेट मेल ऑन 5/11/2022 टू 10/11/2022 फ्रॉम दिस ईमेल ID। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि भाई, जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको मेल भेज दिया जाएगा 5 तारीख यानी कल के डेट से लेकर के 10 तारीख के बीच में, और कौन से ईमेल आईडी, तो इस ईमेल आईडी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिस कभी भी जो है वो RRB आपको ये मेल नहीं करती है, मेल करती है अवश्य कि हाँ आप शॉर्टलिस्ट किए गए हैं या फिर क्या हुए हैं, लेकिन इसके साथ में दोस्तों एक आपको लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है सभी 21 RRB की वेबसाइट के अंदर कि यहाँ पर आपका PET का जो है वो कितना कट ऑफ गया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए, ठीक है, पूरा पारदर्शिता को अपनाया जाता है, ना कि सीधा केवल ईमेल कर दिया जाता है। ईमेल होता है, SMS भी होता है, बट इसके साथ में पारदर्शिता को मेंटेन करने के लिए दोस्तों सभी 21 RRB की वेबसाइट के ऊपर आपका जो है वो पूरा डिटेल आता है दोस्तों, जैसे कट ऑफ आपका कितना गया PET का, उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया, और साथ में दोस्तों पूरा यहाँ पे A to Z आपको देखने को मिलता है इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है, प्रोरेटेड मार्क्स कितना है, नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, उसके बाद आपका रॉ स्कोर कितना है, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, केवल मेल नहीं किया जाता। सो दोस्तों, ये नोटिस पूरा का पूरा फेक है। यहाँ पर देखिए, 4 तारीख की डेट में यानी आज की डेट में ये नोटिस को वायरल किया जा रहा है, ठीक है। सो ये नोटिस आपको पूरा का पूरा फेक है दोस्तों, इस पर जरा सा भी भरोसा नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक सर्कुलर वायरल हुआ था, उसमें वो जेन्युइन था दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वो सर्कुलर आया हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका दिसंबर में जारी होगा, ठीक है, और आपका PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो जनवरी में होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस फरवरी में होगा, और आपका फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो मार्च और अप्रैल में होगा, ऐसा बताया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, देखिए इसमें अभी कितनी सच्चाई है तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, देखिए 4 दिनों के भीतर आपका आंसर किया आ गया, और अब जो है आपका रिजल्ट की बारी है, और रिजल्ट भी आपका इसी मंथ नवंबर के मंथ में ही आपका जारी होने वाला है। सो बिल्कुल भी आप आगे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो है फिजिकल की तैयारी अभी से जोर शोर से करनी है दोस्तों। देखिए, मार्क्स आपके कितने भी है, 50+ के आसपास भी मार्क्स आपके बन रहे हैं तो डेफिनेटली PET के लिए तो आपको कॉल लेटर आ जाएगा। अब ये सोचो कि मान लो यार आपको PET के लिए कॉल लेटर आ जाता है, 3 लाख कैंडिडेट के यहाँ पे PET के लिए सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, अब आ जाता है तो क्या आप PET छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, PET देने के लिए अवश्य जाओगे। अगर एक बार PET देने के लिए जाते हो दोस्तों और आपको DB के लिए बुलाया जाता है या फिर नहीं भी बुलाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट DB में मे बी आपका फर्स्ट पैनलिस्ट के अंदर सिलेक्शन ना हो तो सेकेंड अथवा थर्ड एवं फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से कई सारे DB लिस्ट आते हैं दोस्तों, कई सारे पैनलिस्ट आते हैं, उसमें आपका चयन हो सकता है। सो PET कम से कम तो क्लियर होनी चाहिए ना, तब तो आप ये कन्फर्म कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों, PET में भी 2 यहाँ पे फेजेस लिए जाते हैं। पहला फेज के अंदर आपको क्या होता है, 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर, 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर का रनिंग होता है। उसके बाद दूसरा फेज के अंदर दोस्तों आपका जो है वो 2 मिनट के भीतर आपका 100 मीटर का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होता है 35 kg वजन उठा करके। इस वाले क्राइटेरिया के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन जो दौड़ होता है दोस्तों उसमें बहुत सारे कैंडिडेट 30-40% कैंडिडेट यहाँ है बाहर हो जाते हैं, ठीक है। सो वही कैंडिडेट ये कर पाते हैं जो रेगुलर फिजिकल वर्क करते हैं, कोई ना
कोई काम से जुड़े होते हैं, जो शारीरिक काम से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो केवल पढ़ाई पे ही डिपेंडेंट होते हैं, उनसे ये कर पाना काफ़ी टफ हो जाता है। सो दोस्तों अभी से आप जो है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अब फिजिकल में आपको थोड़ी सी अभी फर्स्ट टाइम है तो भाई थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अपना रनिंग जो है बढ़ाना है। पहले दिन आपको 400 मीटर, दूसरे दिन 800 मीटर, इस टाइप से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको रनिंग बढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी एक टाइम आने के बाद आपका डेफिनेटली जो है वो 4 मिनट 15 सेकंड या 4 मिनट के आसपास में ये जो 1000 मीटर का रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पूर्ण अपडेट थी, देखिए एग्जैक्टली रिजल्ट जो है वो कब तक आता है, लेकिन इसके लिए तो आप श्योर हो सकते हैं कि नवंबर तक ये रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा और दिसंबर में आपका जो है वो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट वो लिया जा सकता है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक ऑफिशियल अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।